बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आप देख रहे हैं इस वक्त इना ग्राफिक, तो आई होप आप सब लोग फाइन होंगे, फिट फाट होंगे। सो आज मैं आप लोगों को क्या सिखाने वाला हूँ, आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इफेक्ट जो है वो क्रिएट करने वाले हैं और इसको हाफ टोन में जो है कन्वर्ट करके अपना जो है वो करेंगे हम लोग। हाफ टोन जो है वो इफेक्ट जो है वो आज हम सीखेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सुपर है ये वाला टेक्स्ट में जो आप आज आप लोग को जो इफेक्ट बताऊँगा। तो गाइज आप कर वीडियो को इन्जॉय और मैं मिलता हूँ वीडियो लास्ट में। गाइस ने वीडियो को स्टार्ट कर दिया, तो गाइस यहाँ पे हम जो है वो टाइप टूल लेते हैं और इसमें यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, टाइप कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ग्राफिक्स जो है वो कर लेता हूँ, ठीक है। तो कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट आप लगाएंगे, कोई सा भी आपको अच्छा जो लगता है वो आप करो। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग जो है वो कैलीग्राफी जो है वो यूज़ करें। तो इसको थोड़ा सा इसकी स्पेस को जो है मैं पास लेके आऊँगा, यहाँ पे इस तरह जो है वो इसको करूँगा। ओके, करने के बाद आउटलाइन को हम लोग क्रिएट कर लेंगे। ओके, करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, या तो इसको पहले सबसे पहले हम एक डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको यहाँ पे पाथ फिंडर कर देना है और इसको भी कर देना है पाथ फिंडर, ठीक है। करने के बाद अब आप लोगों ने हाफ टोन जो है वो करना है, इसमें कोई भी आप कलर फिल करें। तो चलें इसमें हम सबसे पहले अभी तो यही रहने देते हैं, तो यहाँ आते हैं और यहाँ पे हम लोग ये वाला कलर जो है वो चूज़ कर लेते हैं। अब आप लोग यहाँ पे जो है वो इस टूल के मद से भी कर सकते हो, ठीक है, ग्रेडियंट टूल के मद से भी इसको कर सकते हो, बट आप लोगों को ईजी जो है वो बताऊँगा। आप लोग जो है यहाँ पे 90 के एंगल पर इसको जो है वो इस तरह आप लोगों ने क्रिएट कर लेना है, ठीक है। करने के बाद अब आप लोगों ने थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को भी बड़ा कर लेते हैं यार, ठीक है। ओके, पर इसको थोड़ा सा बाय लेके चलते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं। अब इतना काम करने के बाद आपने अपेरेंस में आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है और यहाँ पे आपको पिक्सल लेट मिल जाएगा और यहाँ पे कलर हाफ टोन जो है वो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने सेटिंग को समझ लेना है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर जो है वो 10%, नीचे 100% आप कर लें, और इसके बाद अब आप लोग यहाँ पे क्या करना चाहते हैं वो अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, 100 करना चाहते हैं या कितना करना चाहते हैं वो भी आप लोग कर लें। तो यहाँ पे मैं 80% जो है वो करके देख लेता हूँ, ठीक है, 100 और 80% करके देख लेता हूँ। तो ओके, तो अब इसको जो है हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया, अभी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त यहाँ पे हमारा हाफ टोन जो है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। तो अभी आप इसको अगर चेंज करना चाहो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। कैसे, अब आप लोगों ने जस्ट इस पर वो जो है वो डबल क्लिक यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है और इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसमें आप लोगों कोई भी कलर जो है वो चेंज कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो इसका जो है वो कलर चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हो, अगर नहीं करना तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी आप देख सकते हैं हमने इसको जो है वो चेंज कर लिया है। ओके, तो इसका ये कलर अगर आप लोग रखना चाहते हो तो ये रख लो, अगर आप लोग कोई और कलर करना चाहते हो तो वो आप रख सकते हो, तो कोई भी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये वाला कलर जो है वो चूज़ किया है। अब आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, इसको हमने 3D टाइप बनाना है। तो जस्ट यहाँ पे इसके आउटलाइन को जो है हम लोग यही कलर देंगे, ब्लू वाला कलर देंगे, और इसकी आउटलाइन का जो है वह साइज़ जो है यहाँ पर हम लोग ब्लू कर लेते हैं इसको। ओके, इसको बेशक ऑफ कर दें और इसको हम यहाँ पे करते हैं जी 30%। ओके, 30% करके देखते हैं। ओके, और इसको एक आपने काम करना है, इसका स्ट्रोक जो है वो इस तरह आप लोगों ने क्रिएट कर लेना है। अब आप लोगों ने जस्ट इसको जो है वो यहाँ पे लेके आना है और इसको सेंड टू बैक करेंगे। ओके, और ये वाला जो इफ़ेक्ट है इसको आप लोगों ने कुछ यूँ क्रिएट कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो है वो लग रहा है। इस तरह जो है वो आप इसका अगर कलर चेंज करना चाहते हो वो भी आप लोग कर सकते हो, अगर आप लोगों ने नहीं करना तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब अगर आप इसको 100 करना चाहते हैं 100 कर लें। अब इसमें आप मतलब कि कोई भी जो है वो यहाँ पे अगर इसको चेंज करना चाहो, अगर यहाँ पे मैंने 100 किया तो अभी आप देखिए ये बिल्कुल जो है वो चेंज हो गया। अगर जैसे जैसे आप इसको जो है बढ़ाते जाएंगे उस तरह आपका जो वो टेक्स्ट जो है वो इस तरह क्रिएट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं इस तरह जो है हमने क्रिएट किया है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसकी आउटलाइन को जो है मैंने कितना किया है, मैंने यहाँ पे 30 किया है और इसको जो है मैं एक डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है, इसको डुप्लीकेट करेंगे और ये वाला जो है इसको हम लोग कर लेता हूँ मैं 50% कर लेता हूँ और इसको जो है मैं ये वाला कलर दे देता हूँ
ओके, अब ये वाला कलर इसके ऊपर आएगा इस तरह, ठीक है, और इसको अलाइनमेंट करेंगे आप लोग। ओके ये देखें एक चीज़, ओके, और यहाँ पे अब आप लोगों ने इसकी सेटिंग कर लेनी है जहाँ आपको लोगों को बेस्ट लगे। तो अभी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त यहाँ पे हमारा इफेक्ट जो है वो रेडी हो गया। अगर आप लोग ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे कर लो, अगर आप लोगों ने उस तरह करना है तो उस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। ये अभी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त यहाँ पर हमारा इफेक्ट रेडी हो चुका है। तो इस तरह आप अपने डिज़ाइन को जो है वो चार चांद लगा सकते हैं इस तरह का जो है इफेक्ट क्रिएट करके। तो आई होप इस तरह का आर्टेक्स से इफेक्ट जो है वो क्रिएट करने में आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो गाइस खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा जय सलाह, हाफिज़ पाकिस्तान से।